Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया द्वारा बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ये खबर रशियन शिप बिल्डर कंपनी यूनाइटेड शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रही है, जहां पे यूएसए के चीफ का मानना यह है कि 2023 तक हम इंडिया को 2 फ्रिगेट डिलीवर कर देंगे, वही प्रोजेक्ट 11356 के अंदर। तो इस बारे में बात करते हैं। रशिया के स्टेट आर्म एक्सपोर्ट कंपनी रोजोबोन एक्सपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने यह बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी स्केड्यूल है और प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसको सेट कर लिया गया है। जैसे ही इस प्रोजेक्ट के लिए एडवांस पेमेंट मिलती है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 वीक में एडवांस पेमेंट हो जाएगी, और इस पेमेंट के होने के बाद इस पे जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। और ऐसी उम्मीद है कि 2023 तक इसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसमें रशिया के बहुत सारे छोटे बड़े एंटरप्राइजेज, तकरीबन 60 के आसपास ऐसे एंटरप्राइजेज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि हेल्प करेंगे इसको जल्द से जल्द बिल्ड करने में। जैसा कि आप सबको बता दो, ये प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया के दरमियान 2018 में साइन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट 11356 के अंदर तकरीबन 4 फ्रिगेट्स बनाए जाने थे, जिनमें से 2 तो रशिया के यांटर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे और बाकी के जो 2 होंगे वो इंडिया के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में बनाए जाएंगे। और आप सबको बता दूं, ये प्रोजेक्ट जिसे 11356 फ्रिगेट प्रोजेक्ट के नाम से बताया जा रहा है, इसे स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है एनिमी के सरफेस शिप और सबमरीन्स को स्ट्राइक करने के लिए, चाहे वो कोस्टल एरिया में हो या फिर वो सैनिक जोन में हो। तो हर तरह के स्टेट में एनिमी के शिप और सबमरीन्स को स्ट्राइक करने में सक्षम होगा ये वॉरशिप। इसमें स्पेशली लगाया गया है A190, जो कि एक 100mm आर्टिलरी गन है, और इसमें रशिया का जो स्टेट ऑन कैलिबर क्रूज मिसाइल है उसे भी इसमें डिप्लॉय किया जा रहा है, और ये कैपेबल होगा डिफरेंट तरह के टॉर्पीडो फायर करने में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 27 फरवरी को IAF और PAF के बीच में हुए डॉग फाइट में ऐसी खबरें आई थी कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा एक IAF का ही MI-17 हेलीकॉप्टर टारगेट बन गया था। तो इसको लेके एक IAF का इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इस MI-17 हेलीकॉप्टर में दिए गए आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो सिस्टम के ऑफ हो जाने की वजह से जो इंडिया का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस हेलीकॉप्टर को एज अ एनिमी का हेलीकॉप्टर समझ बैठा और उसने इस पे मिसाइल्स फायर की। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर IAF द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन से आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो IFF सिस्टम है, बेसिकली जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये एक प्रकार का कोड रिलीज करता है, और वो कोड इंडिया के जितने भी रडार सिस्टम होंगे उसमें दिए गए IAF रिसीवर उस कोड को डिकोड करते हैं और एक प्रकार का डेटा फीड कर लेते हैं कि ये कोड जिस भी तरह के डिवाइस से आ रहा है वो इंडिया का अपना डिवाइस है, और वो कोड रिलीज करने वाले सोर्स को वो लोग टारगेट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे गलती ये हुई कि MI-35 में दिया गया ये IAF सिस्टम स्विच ऑफ था, ऐसा बताया जा रहा है IAF की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया के ही स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम ने MI-35 को टारगेट किया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज के तीसरे डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर प्लान के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा जी ने इस बारे में बात की और इंडियन नेवी में फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं 2023-24 तक, और किस तरह का इंडियन नेवी का रेडीनेस होगा, कैपेबिलिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और किस तरह के लॉजिस्टिक्स ऑपरेट करने में सक्षम होगी। तो इन सभी चीज़ों पर बात की है सुनील लांबा जी ने, और इसी दौरान उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी 2023-24 तक ऐसा प्लान कर रही है कि तकरीबन 200 शिप, 500 एयरक्राफ्ट और 24 अटैक सबमरीन का जो एक लॉट है उसे अपनी इन्वेंटरी में रखे। जैसा कि आप सबको बता दूं, अभी इंडियन नेवी के पास तकरीबन 132 शिप्स हैं, 220 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं और तकरीबन 15 सबमरीन्स हैं। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंडिया प्रोजेक्ट P-75 के अंडर 6 सबमरीन मैन्युफैक्चर करने वाला है, और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट हो जाती है 2025-26 तक वो सारे सबमरीन इंडिया को डिलीवर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडियन नेवी ऑलरेडी रशिया से 2 अकुला क्लास सबमरीन लीज पे ले रही है, और आज ही हमने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया है कि इंडियन नेवी को तकरीबन 2023-24 तक 4 फ्रिगेट्स, जो कि प्रोजेक्ट 11356 के अंदर डिलीवर होने वाले हैं। तो इन सभी को आप कंबाइन करते हो तो जो कहीं ना कहीं आंकड़ा एडमिरल सुनील लांबा जी ने दिया है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इंडियन नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं इनमें इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा ज़्यादा रखने की एक सोच है, जैसा कि इस बारे में हमने लास्ट वीक ही रिपोर्ट किया था कि इंडियन नेवी चाह रही है कि जो इंडिया का इंडिजिनस एयर प्रोपल्शन सिस्टम है AIP सिस्टम, उसमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा ज़्यादा रहे। और अभी इंडियन नेवी का पूरा फोकस इंडिजिनाइजेशन की तरफ है इंडियन नेवी के वॉरशिप और सबमरीन्स के लिहाज से। तो इस बारे में आप लोगों का क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कि पसंद आई, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।